मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है और मैं इस टाइम पे सज़ाए मौत की बैरिक में हूँ सर। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में जेल इंतज़ामिया का, जिन्होंने हमें ये चीज़ ये काम हमारे को सीखने का मौका दिया, जिससे हम लोग अपना ये काम सीखने के बाद ये बैग हम लोग बनाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बैग को बना के हम जो इसकी इनकम होती है उससे हम अपना घर वालों को भी सपोर्ट करते हैं और अपना यहाँ का अखराजात भी हमारे इसी से निकलते हैं। जैसे कि इंस्टॉल लगेगा, ये नाज़रीन जो देख रहे हैं इस टाइम पे, उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारा सामान आप देखें, इसको पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करें। मेरा नाम शहराज है, मैं 14 साल जेल में हूँ और डेथ सेंटेंस का कैदी। मैंने यही जेल में ये काम सीखा है, मोतियों का ये मैं काम करता हूँ, इसी से अर्न करता हूँ, अपनी जेल का गुजारा करता हूँ मैं, जो घर वालों के लिए हो सकता है वो उनको सपोर्ट कर देता हूँ। जेल इंतज़ामिया जो एग्जीबिशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर रही है, उससे हमारे काम में इजाफा होगा, हमें रोज़गार हमारा बढ़ेगा, हमारी अर्निंग बढ़ेगी और हम लोग अपने आप को बेहतर और मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। मेरी आवाम से गुजारिश है, जो एग्जीबिशन में जाएं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें। अगर वहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता, आप हमें ऑर्डर दें, आप जितना ऑर्डर देंगे हम आपको बना के देंगे वो सारा। इंसान तो लाजमी मोहब्बत होना चाहिए और मोहब्बत हर किसी को होती है, तो हमारा भी था, लेकिन ये कभी जो जब जेल आ गए तो ये सारी चीज़ें दब गई हैं। एक दफ़ा तो अधूरी रह गई थी, वो अभी यहाँ पे हम अपना वो दिल की ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं, जो असरत जो दिल की जो बात थी वो यहाँ पे हम अपना। तो मोहब्बत आपकी थी वो पेंटिंग में आप करके दिखा रहे हैं कि ये मोहब्बत थी मेरी जो अधूरी रह गई। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मेरा नाम अजीज है, मैं 2005 से जेल में और ATC से सजा हुआ है, 210 साल सजा, 4 दफ़ा सजा है। और जब मैं यहाँ पे जेल में आया तो पहले मुझे मतलब कि कोई काम वगैरह मोती का पेंटिंग का कोई भी नहीं आता था। यहाँ फाइन आर्ट में मैंने दाखिला लिया और यहाँ पे सीखा है और काम करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टीचर हूँ, यहाँ पे जितने भी ये काम करते हैं वो मेरे सारे स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं मेरे, और ये मेरा काम है, ये पेंटिंग बनाया। तो अच्छा, लेकिन जो पेंटिंग यहाँ लगी हुई है वो ज़्यादातर जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोई ख्वाब था जो आपका अधूरा रह गया, जैसे शादी नहीं हुई तो ऐसा लगता है आपने उस पर ज़्यादा जो है वो जोर दे के बनाई है पेंटिंग, तो क्या ये सही है या ये जो मतलब मैं देख रहा हूँ तो कि कोई हर चीज़ में कोई बच्चा है तो उसके पीछे भी एक मुझे सोच नज़र आ रही है, खातून है वो इस खिड़की में खड़ी हुई है। तो इंस्पिरेशन तो ये आता है ना कि मतलब कि ज़्यादातर ये चीज़ मतलब हमारे उसमें नहीं था, हमारे कल्चर में भी बाहर भी थे तो हम मतलब इस चीज़ से दूर थे, सारा दिन मेहनत मजदूरी काम में थे। अभी जब आ गए यहाँ पे जेल में तो ये चीज़ का ज़्यादा मतलब के असर भी हो रहा है और ज़्यादातर मतलब के जहन में इस चीज़ का ख्वाहिश भी हो रहा है कि यार इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, ना शादी की है ना बाहर दुनिया देखा इस तरीके से। 210 साल सज़ा में कितने साल सज़ा हो चुकी है अब तक और कितनी रहती है? 210 साल में से अभी 18 साल तो मुझे हो गए। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग आपको इनमें से कौन सी लगती है बताएं, कौन सी पेंटिंग है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत आप समझते हैं कि वो मेरी सबसे बेस्ट पेंटिंग है, कौन सी ऐसी पेंटिंग है? बेस्ट पेंटिंग मेरी बहुत सारी है, मेरी मतलब यहाँ पे कौन सी, यहाँ कौन सी है जो रखी हुई है अभी फिलहाल, कौन सी ऐसी पेंटिंग? ये जो खातून है, क्या इसमें क्या थीम है आपकी? ये बस अभी आप खुद समझते हैं, क्या थोड़ा सा बताए ना, आप बताए क्या है इसमें, देख के बताए पेंटिंग में क्या ऐसा, क्या आपने किस जहन से इसको बनाया? ये बस वही अधूरी ख्वाहिश जो है ना, जो हसरत थी वो पूरा नहीं हुआ, उसी वजह से ज़्यादातर इस उसमें थे, जेल में आ गए उसके बाद फिर बस यही पेंटिंगों में तस्वीरों में ही सिर्फ देख। और कौन सी इसके अलावा पेंटिंग थी जो आपको बड़ी पसंद थी, कौन सी थी बताएं? सर ये मेरी पेंटिंग वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे। यहाँ कौन कौन सी आपकी? ये आँखों वाली जी, ये भी आपकी है, इसमें क्या है? ये बस क्या ली ऐसी तस्वीर बना के। और ये जेल वाली क्या है? ये जेल वाली भी एक जेल का, जो पहले जब जेल आते थे तो लोग इस तरीके से बकवाट हो गए, मतलब ऐसे खड़े होते थे। हाँ। जब से सैतो साहब आ गए, जो सैतो साहब का टीम आ गए तो उसने पूरे जेल का माहौल ही मतलब चेंज कर दिया। तो अभी तो ये नहीं है, ये पुराने दौर का हमने एक चीज बना के रखा। और इसके अलावा कौन सी पेंटिंग? ये मेरे सारे पेंटिंग भी है और ये मेरे सारे सर्टिफिकेट है, ये जो फर्स्ट पोजीशन लिया मैंने स्टेट बैंक वालों की तरफ से। और कौन सी पेंटिंग्स आपकी इसके अलावा?
और ये पेंटिंग है मेरी, ये वाली, ये वाली। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि भाई ये मतलब कि आजादी, औरत की आजादी, औरत को आजाद रखना चाहिए। तो बलूचिस्तान के हवाले से बनाई है या वैसे ही पूरे पाकिस्तान के हवाले? पूरे पाकिस्तान के हवाले से। वैसे तो बलूचिस्तान में तो सख्ती पाबंदी है, लेकिन उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, सिर्फ बलूचिस्तान में। तो ये पेंटिंग क्या बता रही है कि औरत को आजाद रखना चाहिए? आजाद रखना चाहिए बिल्कुल, वो उसका भी हक है, उसका भी हक है। तो उस जहन से आपने बनाई है। और कौन सी? आप ये भी आपकी है? ये मेरे स्टूडेंट है। अच्छा, इसके शागिर्द हमारे काम करते। अच्छा, ये मेरी, अभी इस पे मैंने एक काम कर रहा हूँ, एक तो कलर होता है, एक यहाँ पे धागों पे इस पे काम कर रहा हूँ कि उसके अंदर हम ये जो टोपी बनाते हैं उस टोपी का धागे को भी मैं उस पेंटिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे हम, मैं खुद भी सजाए मौत में हूँ, तो ये पेंटिंग जैसे हम अपना, अभी ये कि हम अपनी बात पेंटिंग के जरिए कैसे पहुंचा सकते हैं। सही है। तो अभी मैंने अपना ये एक पेंटिंग बनाया है कि भाई सजा मौत को मतलब ताला लगा दिया जाए, कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बेगुनाह किसी को सजा लग जाती है। तब सेल हो चुकी है? हाँ, ये सारे बहुत सारे जो है जो बने हुए वो सारे सेल हो चुके हैं। अच्छा, सारे सेल हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग जेल आए हैं। तो ये भी आप हो? नहीं, ये यहाँ पे। अच्छा, और गए आपकी फोटो? ये मेरी तस्वीर है। और कहीं ये जवानी की? और कोई सही 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 वाली फोटो कहीं? कोई सही वाली फोटो? सर ये हैं, ये